कल मैं कल नहीं जा पाऊंगा, जो मुंबई में फंक्शन हो रहा है वहां जाऊंगा। तुमने लास्ट बोला था देखो ये कुछ भी, मैं हल्का फुल्का भी ऐसे मूव भी करूंगा। भाग गया सुनील, मैंने देखी तुम्हारी खबर। लंबा सफर नहीं, 10 मिनट में पहुंचा हूं मैं यहां पे, आज तो ट्रैफिक भी नहीं था। क्या कुछ कहना चाहेंगे सफर के बारे में? ITA की जर्नी बहुत खूबसूरत रही, 18 साल का हो गया है और उसको अभी लाइसेंस की एज हो गई है, 3 साल में तो ब्याह भी हो जाएगा ITA का, यू नो आई मीन मैरिजेबल एज हो जाएगी। और मुझे बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ। टेलीविजन और फिल्म्स में जो एक्सीलेंस होती है और जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं उनको नवाजा जाता है अवार्ड से, और इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा करने का कि हम अवार्ड जीतें। और ये बहुत हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, देखूँगा कि इस साल क्या नया हो रहा है। सुनील जी, हाँ जी, आपकी क्या उम्मीदें? उम्मीदें किस चीज़ से? उम्मीदें नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है। और तो मैं हाथ धो के आया हूँ सैनिटाइजर से। जी जी, ऑफ कोर्स हमने बड़ा अच्छा काम किया, इमोशनल कनेक्शन है और उनकी शादी हो रही है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो खुश रहें और वैवाहिक जीवन में एंटर कर रहे हैं। ईश्वर उनको और ज़्यादा हैप्पीनेस दे और लेडी लक उनके लिए और काम करे। और अब तक बीवी के ऊपर जोक मारते रहे हैं बिना ब्याहे, अब पता चलेगा बीवी आती तो क्या होता है। कल नहीं जा पाऊँगा, जो मुंबई में फंक्शन हो रहा है वहाँ जाऊँगा। जी, भारत का क्या स्टेटस है आपकी शूटिंग में? भारत को आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ था। अच्छा, जो फिल्म है हाँ वो जी जी, मैं बेहद खुश हूँ और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे इतनी बड़ी और इतनी अच्छी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला है। और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। अली अब्बास जफर साहब जो हैं उसे डायरेक्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे फिल्म को, तो इट्स अ मैसिव बिग फिल्म, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म। मैंने उनके जैसा इंसान और डिसिप्लिन आदमी और कलाकार नहीं देखा, बिकॉज वो एक टाइम में इतना काम करते हैं, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और 2032 में कौन सी फिल्म कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्टिंग की प्लानिंग हो रही है, सुन रहे हैं, आई मीन ही इज़ वेरी बिजी, टेलीविजन ट्रैवल्स एंड देन बीइंग ह्यूमन, जो चैरिटेबल उनका काम चलता रहता। तो और इसके बावजूद वो हर रोज़ 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते हैं, और थोड़े दिन पहले वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, रिब में कुछ फ्रैक्चर आ गया था, बट तीसरे दिन वो फिर से वो एक्सरसाइज कर रहे थे, वो पता नहीं कुछ और मिट्टी के बने हैं। भारत के साथ थाईलैंड और श्रीलंका, नेपाल, मैं फिल्म की शूटिंग के बाद घूमने जाऊंगा इन 3-4 जगहों पर। अच्छा, ये मखमल की जैकेट पहन, उसके साथ मखमल के लिए कारपेट की जैकेट है, ये हमारे घर पे कारपेट बिछाया हुआ था तो फेंकने वाले थे, मैंने कहा ये मुझे दे दो, मैं जैकेट सिलवा के पहन लूँगा, अच्छा कारपेट था। शुक्रिया। एक्चुअली विक्रम फडणवीस साहब की है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा ऊंचा बोलिए जी। अभी एक शो आ रहा है कानपुर वाले खुराना, स्टार प्लस पे आ रहा है, सैटरडे संडे 9:30 बजे, और मैं उसमें जीजा की भूमिका निभा रहा हूँ, मेरी 6 सालियाँ हैं और आई एम होपिंग कि, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 6 साली में एक तो अली भाई है, एक नौशाद है, 3 तो मर्द ही हैं उसके अंदर, सूरी हैं। हाँ जी, देखिए कंपटीशन बहुत स्वाभाविक नेचर है, वो कंपैरिजन्स तो होगा ही, क्योंकि हम छोटे बच्चे बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी कंपैरिजन्स करते हैं, अपना बड़ा बेटा होता है छोटा बेटा होता है, या एक टीम का दूसरी टीम के साथ तो कंपैरिजन ठीक है, विद इन द टीम भी कंपैरिजन्स होते हैं, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो एक ह्यूमन नेचर है, वो होगा ही। सो आई एम विशिंग, एक सेकेंड, हाँ सो वो आवाज़ें आ रही है मेरे पास, हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट बोल रहे हैं, हाँ सो ये कंपैरिजन्स होंगे ही, तो वो ह्यूमन नेचर है। आई एम होपिंग कि जितनी ज़्यादा कॉमेडी होगी, जितने चैनल्स पे कॉमेडी होगी, क्योंकि लोगों में स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है,
لوگ ہنسیں، انجوائے کریں، میں یہی چاہتا ہوں. نیا سال آنے والا ہے اور نئے سال پہ میں پرمود کمار اسٹار پلس پہ اپنے سالے کے ساتھ آ رہا ہوں نئے سال میں. That was a kind of joke. So آپ پلیز دیکھیے اسٹار پلس پہ، ہماری سب کی کوشش ہے کہ آپ کے چہرے پہ اسمائل لائیں، اور باقی تو ایشور جانتا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا انتظار کر رہے ہیں.